इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर का जॉब कैसे मिलता है, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर का टारगेट क्या होना चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड एजुकेशन क्या होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ मिला के एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर को जॉब पाने के लिए, नहीं तो एक अच्छा सेफ्टी फील्ड में प्रमोट करने के लिए आपको क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज के सेफ्टी ऑफिसर का डिमांड क्या है, कौन सा कोर्स का डिमांड है और बैकग्राउंड एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, कंपनी कैसे कैंडिडेट को हायर कर रही है, ये सब बात इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप सेफ्टी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका गोल सेट होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहते हैं, केमिकल प्लांट में जाना चाहते हैं, ऑयल एंड गैस कंपनी में जाना चाहते हैं, इस तरह का कौन सा आपका क्लोज का रेफरेंस है उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करें। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी अपना गोल में सेट करना चाहिए कि आप अगर इंडिया लेवल का सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या गल्फ़ का आपका टारगेट है, गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं या इंडिया में ही जॉब करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिया लेवल के बात करेंगे, गल्फ़ के लिए दूसरा हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि गल्फ़ में जॉब कैसे करें, किस तरह से गल्फ़ में करियर बनाएं। तो फ़िलहाल अभी हम इंडिया लेवल के ही सेफ्टी ऑफिस के बारे में बात करेंगे। इंडिया में सेफ्टी फील्ड का यही मेरा अनुभव है कि इंडिया में जॉब एवरेज 3 से 5% का है, 3 to 5% इन अ सेफ्टी फील्ड। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉई है तो उसमें 3 से 5 सेफ्टी ऑफिसर मिलेंगे आपको। किसी किसी कंपनी में तो यहाँ तक होता है कि 100 एम्प्लॉई है, 150 एम्प्लॉई है, उसका कोई सीनियर मैनेजर नहीं तो कोई भी GM ऐसा कुछ भी सीनियर ऑफिसर मिल जाते हैं जो सेफ्टी का काम देख लेते हैं। वहाँ सेफ्टी के सिर्फ एक कॉलम फिलअप करने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर को रख दिया जाता है, वही पूरा देख लेता है काम। तो अभी इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर का बहुत ही कम डिमांड है गल्फ के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब नहीं है सेफ्टी, इंडिया में जॉब है, इंडिया में भी मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरा गल्फ के जैसा पूरा फिलअप करते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी है, मैं कंपनियों का अभी नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा टाटा है, रिलायंस है, ऐसा बहुत सारा अलग अलग सेक्टर का, जिस सेक्टर में जाएंगे बड़ा कंपनी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये फेमस कंपनियों का मैं नाम बता रहा हूँ। सेफ्टी ऑफिसर के लिए बैकग्राउंड एजुकेशन मिनिमम डिग्री होना चाहिए। कितना इंस्टीट्यूट वाले बोल देते हैं 10+2 के बाद से आप सेफ्टी ऑफिसर को एक 1 ईयर का डिप्लोमा कर लो आपको जॉब मिल जाएगा, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरा गलत बात रहता है। अब जब किसी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले डिग्री है कि नहीं है वो चेक करेगा कंपनी वाला, डिग्री नहीं है तो आप पहले ही छट जाते हैं। कितना कंपनी का क्राइटेरिया रहता है कि डिग्री के ऊपर नहीं तो डिग्री के तक एम्प्लॉई को हायर करेंगे, डिग्री से नीचे वालों को नहीं लेते हैं। कभी कभी क्या ऐसा होता है, कोई आप इंस्टीट्यूट वाले गए नहीं तो किसी सेफ्टी ऑफिसर को आप देख लिए, उससे मोटिवेट होके आप कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन लेके सेफ्टी में आप करियर बनाने के लिए लग गए। जब ये जानकारी आपको नहीं रहता है तो शायद उस टाइम पे आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ जाता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो 12th का बहुत कम ही वैल्यू रहता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम डिग्री का, डिग्री में भी 3-4 कैटेगरियाँ रहता है। इसमें एक BA रहता है, BCom, BA BCom को एक कैटेगरीज में रखते हैं सेफ्टी फील्ड का। BA BCom का थोड़ा कम चांसेस रहता है। इसमें अच्छा करियर बनाना है तो आपको BSc होना चाहिए,
बहुत सारे कंपनी बीएससी कैंडिडेट को ही सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट देती है। अगर बीएससी आप कर लिए हैं तो आपको केमिकल प्लांट में, ऑयल एंड गैस कंपनी में, किसी भी कंपनी में, बड़ा बड़ा कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप बीकॉम है तो आप केमिकल कंपनी में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस कंपनी आपको ऐसे छांट देगी, क्योंकि उसमें हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए आपको कंपलसरी बीएससी होना चाहिए। फायर केमिस्ट्री आपको होना चाहिए, फायर फिजिक्स होना चाहिए, इस तरह से रहता है इसमें भी, तो इसलिए कंपनियां बीएससी डिमांड करती हैं। अगर आप कुछ टेक्निकल आपके पास है, टेक्निकल डिप्लोमा है, बीटेक है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, सिविल डिप्लोमा है, तो ये पोजीशन में आपका बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बीएससी बीकॉम इन सबसे हाईएस्ट अगर आपके पास कुछ टेक्निकल डिप्लोमा है तो ज़्यादा आपको वैल्यू होता है। टेक्निकल के साथ साथ आप कोई सेफ्टी का कोर्स कर लेते हैं, वन ईयर का डिप्लोमा कर लेते हैं, नहीं तो 2 ईयर 3 ईयर्स का कोई भी डिप्लोमा कर लेते हैं, जब आपका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, आप सपोज़ करिए किसी कंपनी में 10 आदमी इंटरव्यू के लिए गए सेफ्टी ऑफिसर के जॉब के लिए, 10 में से 2 BA किया, 2 BCOM किया है, 2 BSc किया है, और कुछ आदमी टेक्निकल डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, नहीं तो कुछ भी ऐसा टेक्निकल लाइन का डिप्लोमा किया है। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर क्या देखता है, उसके पास पोस्ट अगर सपोज़ करें 2 ही पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 10 आदमी इंटरव्यू के लिए गए तो 2 ही आदमी को सेलेक्ट करेगा, उस कंडीशन में क्या देखता है, टेक्निकल किसके पास है, टेक्निकल वालों को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से कम पड़े तो बीएससी वालों को देखता है, उससे भी कम पड़े तो बीए बीकॉम वालों को देखता है। ये सब एक तरफ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इन सब से हट के एक्सपीरियंस का अलग ही मायने रहता है। इस तरह से सेफ्टी में आप करियर बना सकते हैं, आपका एजुकेशन क्या रहता है उसका वैल्यू समझ के जब आप सेफ्टी में अपना करियर चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मोटिवेट कर दिया, आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड एजुकेशन नहीं देखें और डायरेक्ट सेफ्टी में कोई 1 ईयर का डिप्लोमा कर लिए, फिर आप बोल रहे हैं कि हमारे को जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये आपका फॉल्ट है। जॉब मिलेगा आपको, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आप गलती कर दिए, अपना बैकग्राउंड एजुकेशन ये सब जो भी मैं बात बता रहा हूँ वो पूरा चेक करना चाहिए, उसके बाद से आपको सेफ्टी फील्ड में जाना पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी अपना अगर सेफ्टी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बैकग्राउंड एजुकेशन के बारे में देख लीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है वो देख लीजिए, नेक्स्ट आपका इंडिया लेवल का है नहीं तो गल्फ लेवल का है वो देख लीजिए, उसके बाद से आप करियर सेफ्टी फील्ड में आइए, नहीं तो आपको आना बेकार हो जाएगा। इंस्टीट्यूट वाले के चक्कर में नहीं तो दूसरे तीसरे का अगर देख के मोटिवेट होकर आप सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो वेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों को तो अपना सेल्स बढ़ाना रहता है, वो कुछ भी उल्टा सीधा स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर देते हैं, स्टूडेंट को बोल देंगे हम 100% जॉब प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन जॉब आप समझो यूपी में है तो आपको बंगाल में भेजते हैं, जो कि आपके लिए उतना पॉसिबल नहीं रहता वो कंडीशन में, इसलिए इंस्टीट्यूट वाला भी बोलते हैं, लेकिन अपना भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें चेकलिस्ट है, ये सब बातें ध्यान में रख के जब आपको एडमिशन लेना चाहिए। गाइस, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ लाइक बटन को दबाना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।